तो भाई लोग कैसे हो? सभी लोग पागल में कूल नहीं उड़ो रहा। फिर खेल रहे हैं नीड फॉर स्पीड नो लिमिट। काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में भी अपन एक कार को ओपन करने वाले हैं। अब लास्ट टाइम तो मैंने मस्टैंग जीटी को ओपन किया था, यहाँ पे कुछ फ्री का आइटम मिल रहा है तो सबसे पहले मैं फ्री का आइटम क्लेम कर लेता हूँ। देखते हैं ये वाली से क्या मिलेगा। ये नॉर्मल वाली अपनी चेस्ट थी तो इससे मुझे व्हील का सेगमेंट मिला, और ये वाली भाई ये कुछ एक्स्ट्रा वाली है और इससे मुझे कुछ तगड़ी चीज़ मिलेगी। मुझे लगता है ब्लू प्रिंट ही मिलेगा। कौन सा मिलेगा? पोर्शे कैनियन ऐसा कुछ इसका नाम था। खैर मैंने नाम अच्छे से पढ़ा नहीं, बट इसका मुझे ब्लू प्रिंट मिल चुका है। मैं जो पोर्शे को ओपन कर रहा हूँ ये वो वाली नहीं, ये दूसरी वाली पोर्शे, मतलब थोड़ी सी मुझे लगता है कि उससे लो पावर होगी। और जो भी हो गया मैं आपको दिखाता हूँ। पोर्शे 911 कैमरा इसका नाम है। हाँ तो 911 कैमरा और कुछ सीरीज का नंबर भी था, मैं उसको पढ़ के दिखाऊंगा आपको भी। 993 ऐसा नाम है उसका। भाई देखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही, थोड़ी विंटेज कार टाइप की है, उतनी ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी सी ओल्ड टाइप की। अभी तो कहाँ ऐसी कार नहीं बनती, और अभी तो भाई कारों के लुक्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। मस्टैंग जीटी इससे ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है लुक्स वाइज, बट ये भी कुछ कम नहीं है भाई। अगर आप देखोगे ना ओल्ड टाइप की कारों में तो भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अब चला के देखना पड़ेगा कि स्पीड वगैरह कितनी जाती है, कितनी ज़्यादा पावरफुल है, मज़ा आएगा नहीं आएगा चलाने में, वो भी चला के ही पता चलने वाला है। पहले मैं अपग्रेड कर लेता हूँ जितनी भी होगी जल्दी जल्दी से, ठीक है। हर चीज़ों को अपग्रेड करना पड़ेगा। दो चीज़ें और है, ऑटोमेटिक, मतलब ये तो यार आप बोल सकते हो कंपलसरी रहता है, मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं होती ना फिर भी ऑटोमेटिक आ जाती है। इतना तो गेम वालों ने बोला कि भाई ऑटोमेटिक आपको इतना तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा, तो उतना मैंने कर लिया जितना गेम वालों के अकॉर्डिंग करना ज़रूरी था। यहाँ से भी कुछ मिल रहा है तो मैंने उसको भी क्लेम कर लिया, मतलब नॉर्मल गोल्ड के अपने को नगेट्स वगैरह मिलते हैं तो वो सब चीज़ों को मैंने यहाँ पर ले लिया। अब चलते हैं सीधा रेस के लिए और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ मैंने गलत दबा दी, यहाँ पे नहीं, कार सीरीज़ के अंदर चलना है क्योंकि एक चीज़ अपनी अभी अनलॉक हुई है तो उसी के अंदर मैं रेस कर सकता हूँ ये वाली पोस्टर से, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। पोस्टर 911 कैमरा ऐसा कुछ इसका नाम है। तो ये वाला मैप है 911, मतलब जो अपनी पोस्टर 911 कैमरा का नाम है वही इस वाले मैप का भी नाम है, तो ये तो क्लियर हो जाता है कि इस वाले मैप के लिए यही वाली व्हीकल बनी है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मेरी इन सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो नो डाउट मैं काफ़ी ज़्यादा इजली जीत जाऊँगा, बट फिर भी यार मज़ा तो आएगा चलाने में। फर्स्ट टाइम चलाने वाला हूँ इसको भी, क्योंकि यार अभी तक मैंने इसको नहीं चलाया क्योंकि अभी अभी तो ओपन ही हुई है आपके सामने। चलो ठीक है, गो भाई। परफेक्ट लॉन्च मैंने दे दिया है, एक को मैंने पीछे कर दिया, दो और मुझे करना है और इसको मैंने पीछे कर दिया। फाइनल यही चल रही है मुझसे आगे भाई, ये मेरी वाली कार है जो मेरे पास है ना वही वाली है, और इसको भी मैंने पीछे छोड़ दिया। इनकी इतनी ज़्यादा कमज़ोर कैसे होती है क्योंकि मैंने तो अभी अभी खोला है, ज़्यादा अपग्रेड भी नहीं किया है, बट फिर भी मेरी इतनी ज़्यादा पावरफुल है। तो मुझे लगता है कि जो ये गेम के अंदर कारें आती है ना अपने से रेस करने के लिए थोड़ी सी कमज़ोर रहती होगी। और जो हाँ ये भी टक्कर होते होते बची हो ही गई थी आप बोल सकते हो, बट उतनी ज़्यादा नहीं, स्क्रैच वगैरह तो आई गई होगी थोड़ी बहुत मेरे कार के अंदर ग्लास वगैरह पे, वो रेस ख़त्म होने के बाद पता चलता आएगी नहीं आई। देखो ही पता चलेगा आपको, स्क्रैच दिखेगा आपको ग्लास पे, नहीं दिख रहा यार। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कार है भाई, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है थोड़ी बहुत टक्कर से, पावरफुल तो है भाई। प्लेटिंग वगैरह मुझे मिल चुकी है, अभी चलते हैं नेक्स्ट वाली रेस के लिए। मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ अभी अपग्रेड वगैरह नहीं करेंगे, सीधा सीधा रेस को कंप्लीट करेंगे इवेंट 2। मैं सोच रहा हूँ 5 या फिर 4 तक खेलेंगे, देख लेंगे जितना भी हो पाएगा उतना खेल लेंगे। मैं सोच रहा हूँ एक बार नाइट्रो वाला मिल जाता ना तो मज़ा आता था, क्योंकि अपन इसकी टॉप स्पीड भी चेक कर सकते थे। अब मुझे इस वाले बंदे को हराना है और उसको मैं हरा दूंगा, मुझे पता है। ये चली, मुझे कैच करके उसको हराना है ना, हाँ कैच अप एंड विन। तो चलो यार कैच करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जाना पड़ेगा, वो मुझसे आगे ही है, ज़्यादा भी आगे नहीं है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट हाँ 200 से तो ऊपर ही चल रही है ये बगैर बूस्ट के भी भाई। 250 भाई पहुंच जाती है आराम से भाई बगैर बूस्ट के भी, बूस्ट के साथ तो 300। मतलब इसका पिकअप थोड़ा सा स्लो लग रहा है, अगर आपको सच बताना इसका पिकअप थोड़ा सा स्लो लग रहा है, बट एक बार ये स्पीड पकड़ लेती है तो फिर भाई रुकती नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में पहुँच जाती है। तो मुझे इसको पीछे करना है, कर दिया, जो कि मैंने ईजी था, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। देखो नॉर्मली चल रही है, 265 आप बोल सकते हो इसकी टॉप स्पीड है बगैर बूस्ट के भी, और उतनी जाना मुश्किल है, बट अगर अपन बूस्ट लगा के एक बार 265 तक पहुंचा देते ना तो ये मेंटेन रख सकती है, मतलब उससे पीछे नहीं जाएगी। मुझे लगता है कि मेरी लेवल भी 45 होने वाली है, और जैसे ही 45 हो जाएगी तो अपनी एनर्जी फिर से रिफ़िल हो जाएगी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। अभी इवेंट 3 की बारी है तो इवेंट 3 में भी चलते हैं, और यहाँ पर भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा तगड़ा इंजन मिलेगा, इंजन दिखा तो रहा है भाई। मैं सोच रहा हूँ उसको अपनी कार के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे ये वाली रेस जीतने के बाद, तो अच्छा हो जाएगा। मैं मस्टैंग जीटी में इंस्टॉल करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि यार मस्टैंग जीटी से मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है यार, मुझे उसको चलाना बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है देखने में ना, इसलिए। चलो ठीक है, मैंने परफेक्ट लॉन्च दे दिया, इस बार क्या करना है, सुपर चार्ज योर नाइट्रो। ओके मैं समझ गया, यही वाला तो मैं बोल रहा था, इससे अपने को टॉप स्पीड पर चल जाएगी इसकी, बस नाइट्रो अपने को मिला रहेगा और जान दो भाई फुल स्पीड में। यार नाइट्रो में ले ही नहीं पाया, इस बार ले लिया, अब देखो अब जान देते हैं, अब रुकेगा नहीं बट। अरे यार एक तो नाइट्रो ना बार बार रुकेगा, मैं सोच रहा हूँ एक बार लगा रहे और फिर रुके ना, अब नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा, अब चलने दो। 300+ चल रही है, देखो चल रही है, नहीं चल रही भाई 300+, अभी नीचे हो गई थोड़ी सी क्योंकि रास्ता थोड़ा सा ऐसा आ गया, अभी फिर 300+ और ये सीधे रास्ते पे देखो भाई कितनी जाएगी।
यार शिट भाई, सीधे रास्ते पे अगर मैं मेरे पास वो होता ना नाइट्रो भाई, मैं आराम से इसको 350 कुदा सकता था। मैंने चलाई थी भाई कल लैम्बोर्गिनी अवेंटर शायद इसके अंदर या फिर परसों भाई, वो 450 तक भी चली जाती है। सोचो कितनी ज़्यादा उसकी टॉप स्पीड होगी। ये मुझे इंजन मिल चुका है, इसको मैं सोच रहा हूँ इंस्टॉल कर लेते हैं मेरी मस्टैंग के अंदर, अगर होगा तो। एक बार चेक करने में कुछ भी नहीं जाता है। बट भाई एक और रेस अभी आपका भाई करने वाला है, क्योंकि वो सब काम यार अपन एंड में भी कर सकते हैं, बट रेस करना अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं रेस कर रहा हूँ सीधा यहाँ पे। 398 की अपनी रेटिंग है, उसकी अपने से थोड़ी कम होगी। उसकी भी लुक्स वाइज काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लग रही है। उसके पीछे देखो ना भाई क्या लगा हुआ है। पर ये मेरी वाली नहीं है, ये दूसरी कार है। हाँ ये दूसरी है, ये मुझे ना सुबारू लग रही है, सुबारू या ऐसा ही कुछ नाम था। मेरे पास भी है ये वाली, बट मेरी इतनी ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं है। बट हाँ मेरे पास है वो वाली कार, जो वो वाले में चला रहा है बंदा। इसको मैंने पीछे तो भाई स्टार्ट होते ही छोड़ दिया, मतलब समझ सकते हो मुझसे कितनी ज़्यादा कमज़ोर है। और मैं कहीं टकराऊँ ना ना तो काम बन जाए, मैं ईजिली हराऊंगा इसको भी। ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला है, क्योंकि आप पोस्टर चलाने में मुझे मज़ा भी आ रहा है। बट मस्टैंग उतना नहीं भाई, मस्टैंग की यार मैं तारीफ को ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सच में उसको चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है भाई। मैं सोच रहा हूँ ना मस्टैंग को अपनी पर्सनल कार बनाऊँ, उसको फुल अपग्रेड कर दूँ भाई, जैसे किसी भी रेस के लिए वो तैयार हो। बट ऐसा होता नहीं, देखो पीवीपी में मेन रहता है ना कि ये जो सी कार को बोलेंगे ना, अपने को उसी के साथ रेस करना पड़ेगा। और अपनी मर्जी से उसमें कार नहीं ले जा सकते, एक दो कार का ये ऑप्शन देते, उसी में से कोई एक कार अपने को सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर अपने पास होगी तो, नहीं होगी तो आप पीवीपी खेल ही नहीं सकते हो, तो वो थोड़ी सी गलत बात है। अगर चलो ठीक है, मैं जीतने वाला हूँ रेस को, मुझे पता है। 80% से ज़्यादा हो चुका है, रेस थोड़ी सी बड़ी थी, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा ही बड़ी थी। कब से तो मैं खेल रहा हूँ, अभी तक फिनिश नहीं हुई है। चलो ठीक है, ओ भाई मुझे लगा मैं इसको ठोक दूँगा। चलो ये वाली भी कम्प्लीट हो चुकी है, एक फाइनल में सोच रहा हूँ रेस और कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो का एंड यहीं पर कर देंगे। नाइट्रो से यार मैंने इसकी जितनी स्पीड खींची है ना, देखो 265 मुझे इसकी टॉप स्पीड लग रही है, और जो मैक्सिमम गई है ना नाइट्रो लगाने के बाद 330 तक गई है, वो उतनी गई है, उससे आगे तो नहीं गई है। चलो ठीक है, इवेंट 5 को भी मैं सोच रहा हूँ खेल लेते हैं जल्दी से, ख़त्म करते हैं यार। एक फाइनल वाला और बचेगा तो उसको मैं बाद में खेल लूँगा, बाकी क्योंकि वो अभी चलने नहीं वाला है, उसके लिए मुझे अपनी पोस्चर को अपग्रेड करना पड़ेगा। और जहाँ तक चल रहा है उतना मैं खेल सकता हूँ। ये आई अपनी पोस्चर, पर एक मुझे कैच वाला सिस्टम करना है। हाँ कैच अप एंड इवेंट, मुझे मज़ा आता है भाई कैच करने में। सामने कार चल रही होगी और हम उसको पीछे छोड़ देंगे, सोचना वो मुझसे इतनी ज़्यादा आगे होगी, बट मेरी कार इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि मैं उसको पीछे छोड़ सकता हूँ। तो इसलिए मुझे ये खेलने में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ से मुझे रोटेट करना है अपने कार को, जो कि मैंने कर लिया। यहाँ से मुझे बढ़ानी है आगे, जो कि मैंने बढ़ा ली है। और चलो ठीक है भाई, सही चल रही है यार। भाई ठोक टक्कर क्यों मार रहा है ये बंदा मुझे। चलो ठीक है, अभी मैं जीतने वाला हूँ। फिनिश भाई फिनिश, ख़त्म कर दिया मैंने इस वाले बंदे को, भी हरा दिया। देखो पोस्चर बहुत ज़्यादा बढ़िया कार है, चलने में भी ठीक ठाक सी है। ठीक ठाक सी क्या, बहुत ज़्यादा सही है। हाँ अपग्रेड करूँगा तो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी, चलाने में मुझे मज़ा आया है। टॉप स्पीड में बता दिया कितनी गई मुझे यार। इसमें मैक्सिमम यही लगता है ना कि सारी कारें ना सेम ही टॉप स्पीड पे जाती है, वो कैसी भी कार क्यों ना, बट यार उनकी टॉप स्पीड ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। तो यही कुछ था वीडियो में, आपको बताना कि आपको ये वाली पोस्चर कैसी लगी। अगर वीडियो में मजा तो आपको बताया क्या करना, वीडियो कर देना लाइक, चैनल लेना सब्सक्राइब, साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।